गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जैसा कि कल हमने आपको स्टैटिक्स में थ्री डायमेंशनल में एक्सरसाइज 11.3 में प्रॉब्लम नंबर फोर का ए और बी बताया था, आज हम फोर के सी पे आ जाएंगे। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आर 1 1 1। लेट x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर आर x1 y1 z1, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है तो x1 y1 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 z1 y1 यानी x1 y1 इज इक्वल टू y1 y1 इज इक्वल टू z1 y1 इज इक्वल टू k, x1 इज इक्वल टू k y1 इज इक्वल टू k z1 इज इक्वल टू k। द पॉइंट x1 y1 z1 लाइज ऑन प्लेन k प्लस k इज इक्वल टू 1 3 k इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 1/3। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 1/3 1/3 एंड 1/3। डी पे कह रहा है कि 5y + 8 इज इक्वल टू 0। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल प्लेन आर 0 5 0। लेट x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर आर x1 y1 z1 x1 / 0 is equal to y1 by 5 is equal to z1 by 0 is equal to kx1 0 y1 5 k z1 0. The point x1 y1 z1 lies on 5 × 5 k + 8 is equal to 0 k is equal to -8/25. x1 is equal to 0 y1 is equal to 5 × -8/25 5 1 5 5 -8/5 and z1 is equal to 0. Foot perpendicular from the origin to the given plane is 0 -8/5 and 0.